हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अर न्यू वीडियो ऑफ कैनरा बैंक लिमिटेड तो फ्रेंड्स कैनरा बैंक में हमें जो है बहुत ही अच्छा रैली और बहुत ही अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है रिसेंट के कुछ ट्रेडिंग डेज की अगर हम बात करेंगे तो पिछले वन मंथ में ऑलमोस्ट ये शेयर 36.26 परसेंट जो है जूम हो चुका है जिसमें इसने लो बनाया था वन का और फिलहाल इसने हाई बनाया था टू हंड्रेड एंड फोटी सिक्स एज ऑफ आज के ट्रेडिंग डे में इसमें हमें जीरो की गिरावट देखने को मिली और शेयर का जो सेशन है वो नियर बाय फोर टू पे जो है क्लोज होता हुआ हमें दिखाई दिया है लेकिन कैनरा uh, बैंक में और कितना अच्छा रैली आ सकता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और क्या बड़े अपडेट है वो भी डिस्कस करेंगे उससे पहले फ्रेंड्स मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कैनरा बैंक से रिलेटेड सारे लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आपको सिर्फ एक सेकेंड लगेगा फ्रेंड्स चैनल सब्सक्राइब करने के लिए लेकिन आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलते रहेंगे तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स कैनरा बैंक यहाँ पे आप देख सकते हो इस रिपोर्ट में कैनरा बैंक हिट्स 52 टू वीक हाई आफ्टर आई सी आर अपग्रेड्स क्रेडिट रेटिंग तो फ्रेंड्स जितने भी पी एस यू बैंक्स है फिलहाल के केस में जैसे जम्मू एंड कश्मीर हो गया पी एन पी एन बी हो गया उसके बाद कैनरा बैंक हो गया इनमें जो है बहुत ही अच्छा जो है मोमेंटम देखने को मिल रहा है और अगर हम कैनरा बैंक की बात करेंगे तो आई का जो रेटिंग है जब वो अपडेट हुआ है उसके बाद जो है इसने 52 टू वीक्स का हाई जो है टच किया है तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे दूसरा रिपोर्ट यहाँ पे देखिए आप कैनरा बैंक हिट्स ओवर टू ईयर हाई स्टॉक जूम 62 परसेंट फ्रॉम क्यू प्राइस तो इसका क्यू प्राइस था वन फोर्टी नाइन पर शेयर वहाँ से ये रैली हुआ है ऑलमोस्ट सिक्सटी तो फोर के आसपास ये ट्रेड कर रहा है तो यहाँ पे अगर हम चार्ट उठा के देखेंगे पिछले एक साल का तो यहाँ पे आप देख सकते हो 246 इसका हाई है जो कि हमारा रीसेंट हाई है तो बहुत ही अच्छी रैली हमें देखने को मिल रही है फ्रेंड्स यहाँ पे और अगर हम फाइव ईयर का चार्ट उठा के देखेंगे मतलब जो प्राइस अभी ट्रेड हो रहा है वो टू का अगर हम डिसम्बर देखेंगे यहाँ पर आप देखिए टू का डिसम्बर अगर हम देखेंगे तो टू था तो इस प्राइस को भी अभी जो है क्रॉस कर दिया है इसलिए इसको टू ईयर्स का जो है सबसे हाइस्ट प्राइस रेंज पर अभी ये ट्रेड कर रहा है ऐसा बोला जा रहा है और यहाँ से आगे भी पी एस यू बैंक्स का जो पाथ है वो बहुत अच्छा दिख रहा है ऐसे एक्सपर्ट्स की राय और ऐसे रिपोर्ट्स में हम देख चुके हैं तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे फाइव ईयर्स का हाई इसका तो 446 सॉरी फोर, आ, फोर है और इसके ऑल टाइम मैक्स की अगर हम बात करेंगे तो 821.12 है तो अच्छे खासे रिजल्ट्स अगर इनके क्वार्टर्स के आते हैं क्वार्टर कैनरा बैंक के तो डेफ़िनेटली हमें और भी अच्छा रैली देखने को मिल रहा है फिलहाल जो है ये uh, 442 पे है अगर यहाँ से मतलब नियर बाय 200 अगर हमारी बाइंग पोजिशन होगी तो डेफिनेटली uh, अच्छे खासे रिटर्न हम होल्ड कर रहे हैं लेकिन Uh, अगर किसी ने बाइंग पोजीशन नहीं बनाई है और बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली इसमें अगर uh, ये शेयर नियर बाय 228 या 234 के आसपास कहीं पे आता है तो एक अच्छी बाइंग पोजीशन बन सकती है और अगर वहाँ से नीचे भी आता है डेफिनेटली तो हम एक स्क्वायर ऑफ पोजीशन बना सकते हैं uh, एक डिप के साथ हम इसको स्क्वायर uh, ऑफ कर सकते हैं तो वो भी स्ट्रैटेजी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अच्छे खासे रिटर्न पाने के लिए तो यही इंपॉर्टेंट uh, अपडेट्स थे फ्रेंड्स कैनरा बैंक से रिलेटेड उसके अलावा अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्नस की बात करेंगे तो प्रोमोटर्स का होल्डिंग आप देख सकते हो फ्रेंड्स लास्ट टू क्वार्टर से कंसिस्टेंस है बहुत ही अच्छा प्रोमोटर होल्डिंग है और यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज़ अगर हम देखेंगे फ्रेंड्स म्यूचुअल फंड्स की अगर हम बात करेंगे तो अगस्त में सिर्फ 1.37 परसेंट म्यूचुअल फंड्स uh, का जो है होल्डिंग था लेकिन वो बढ़ के सीधा हुआ है 3.75 पॉइंट uh, परसेंट अगर हम सितंबर क्वार्टर की अगर बात करेंगे तो और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस भी आप देख सकते हो अच्छी खासी होल्डिंग होल्ड hold करता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस भी अच्छी खासी uh, जो है होल्डिंग uh, रखता है तो डेफिनेटली हमें जो है कैनरा बैंक में आने वाले कुछ मंथ्स में या एयर्स में अच्छे खासे रिटर्न uh, जो है एक्सपेक्टेड है तो so, हम कंटिन्यूअसली कैनरा बैंक की सारी रिपोर्ट्स को टैक ट्रैक करेंगे फ्रेंड्स तो उसके लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल